नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुराज शर्मा। एक मिनट में जानिए पूरी खबर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिला प्रशासन और उज्जैन के इस्कॉन मंदिर ने आपस में मिलकर कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला का आयोजन बाल भवन में किया गया था। लोगों के जीवन में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई थी। कलेक्टर अनुराग चौधरी की अध्यक्षता में कार्यशाला की गई। कार्यशाला में ब्रिजेंद्र कृष्णदास, अपर कलेक्टर टीएन सिंह, अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य और डॉक्टर सत्य प्रकाश मौजूद थे। अनुराग चौधरी ने इस मौके पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि सभी धर्मों में हमारे पूर्वजों द्वारा जो संस्कार और संदेश दिए गए हैं, उसे हम अपने जीवन में आत्मसात करें, जिससे हम तनाव मुक्त जीवन जी सकें। वहीं ब्रिजेंद्र कृष्णदास ने कहा कि अगर समाज में काम, क्रोध और लोभ समाप्त हो जाएं, तो जीवन में लोगों की समस्याएं खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। इंडिया खबर लाइव के लिए ग्वालियर से अनुप पांडे की रिपोर्ट। ले लिया था क्या? मैंने पैसे वाले को बुलाया, कहा तुम्हारा 5,000 रुपए किसने ले लिया था क्या? तो तुम दुखी क्यों है? एक समय तुम उसी सैलरी को लेकर इतना प्रसन्न हो रहे हो, नाच रहे हो, आनंद रहे हो, और दूसरे ही सेकंड तुमको लगता है कि किसी दूसरे को थोड़ा ज्यादा मिल गया, तो तुम दुखी हो जाते हो। पर एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेमिनार रखा था, कलेक्टर सर ने उसको फैसिलिटेट किया, और हमारा यही उद्देश्य था कि इस प्रकार से जो लोग मानसिक तनाव की स्थिति जो लोगों के जीवन में आती है, कैसे उस तनाव की स्थिति से हम लोगों को तनाव मुक्त जीवन की तरफ अग्रसर कर सकें। इसमें हमने बात की कि जब हमारा मन जो है वो अगर बुद्धि पे नियंत्रण करता है, ना कि बुद्धि के द्वारा मन नियंत्रित होता है, तो तनाव की स्थिति जो है वो जनरेट होती है। तो हमें चाहिए कि हम बुद्धि के द्वारा, जैसा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियों को मन के द्वारा और मन को बुद्धि के द्वारा नियंत्रण अगर करते हैं, तो हमारा जीवन रूपी रथ जो है वो सही तरीके से चलता है, नहीं तो फिर हम एंग्जाइटी फुल और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पहुंच जाते हैं।